एक जंगल में एक जीवा नाम की गिलहरी रहती थी। वो बड़ी ही नेक, सीधी सादी और परिश्रमी गिलहरी थी। वो दिन भर अपना भोजन जुटाती और अपने घर की देखभाल करती। वो दूसरों की भी मदद करती थी। उसके दो प्यारे प्यारे बुल्लू और गुल्लू नाम के बच्चे थे। वो उनका भी बड़ा ख्याल रखती थी। उसके घर के पास एक चिक्की नाम की बंदरिया रहती थी। वो बड़ी शरारती और दुष्ट प्रकृति की थी। एक बार जीवा गिलहरी भोजन की तलाश में बाहर जा रही थी, तब उसे अपने बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। चिक्की बंदरिया पास में ही उछल कूद कर रही थी, इसलिए जीवा ने उससे एक निवेदन किया। चिक्की बहन, तुम तो यहीं आसपास रहोगी, मुझे कुछ बादाम लेने के लिए जाना है, जल्द ही वापस आ जाऊंगी, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। जा जा, आराम से आना, बच्चों के बारे में मत सोचना। जीवा निश्चिंत होकर चली गई और चिक्की भी इधर उधर कूदने लगी। इतने में तेज तूफान आ गया। दोनों बच्चे भुल्लू और गुल्लू डरने लगे। उनके पास कोई नहीं था। उन्हें चिक्की चाची का ध्यान आ गया। चाची, हमें बचाओ, डर लग रहा है, हम गिर जाएंगे। चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो, ये तूफान है, शैतान नहीं। चाची, मैं गिर जाऊंगा। चुप कर, गिर जा चाहे भाड़ में जा, अब चुप हो जा। तूफान अपनी रवानी पर था। चारों तरफ भयानक माहौल बन गया था। जीवा की लहरी लौट नहीं पाई थी। एक डाली पर एक सांप चढ़ आया था। भुल्लू और गुल्लू बुरी तरह डर गए थे। कुछ देर में सांप तो चला गया, लेकिन अब भुल्लू और गुल्लू भूख से परेशान हो गए। चाची चाची, भूख लगी है, मम्मी अभी तक नहीं आई है। तो फिर बोला, मैंने क्या तुम लोगों का ठेका लिया है, पेट पकड़ कर बैठे रहो, लेकिन मुंह से कुछ मत कहो, समझ गए ना। भाई, वो पास में कुछ खाने की चीज पड़ी है, खा लो, भूख कुछ कम हो जाएगी। भैया, तुम्हें भी तो भूख लगी है। मेरी फिक्र मत करो, तुम खा लो, मम्मी आएगी, हमारे लिए खाना लाएगी, तब मैं भी खा लूंगा। बड़े भाई भुल्लू ने छोटे को थोड़ा खाना खाने दिया और स्वयं संतोष करके बैठ गया। बहुत देर के बाद तूफान शांत हो गया और जीवा की लहरी बच्चों के लिए खाना लेकर आ गई। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी मम्मी से सारा हाल बयां कर दिया। जीवा को चिक्की बंदरिया के व्यवहार के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो उससे जाकर कुछ नहीं बोली। कुछ महीनों के बाद बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिन के बाद चिक्की बीमार हो गई। वो कहीं भी जा आ नहीं पा रही थी। जीवा की लहरी ने जब उसका हाल देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। उसने अपने पास बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था। वो खाना और औषधि लेकर चिक्की के पास जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, उसके बच्चे गुल्लू ने टोक दिया। मम्मी, ये क्या कर रही हो, हम उस दिन भूख से तड़प रहे थे और चिक्की चाची ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमें चली कटी सुनाई, फिर भी तुम उनकी मदद करना चाहती हो। बेटा, उन्होंने जो किया, क्या हमें भी वही करना चाहिए? नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, हमें हमारा कर्म करना चाहिए। हम उनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी का धर्म है कि वह आपत्ति काल में अपने पड़ोसी की मदद करे। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जीवा खाना और औषधि लेकर चिक्की बंदरिया के पास पहुँच गयी। चिक्की बहन, मैंने देखा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों ने कुछ खाना भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए औषधि और दोनों जन के लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से दोनों जन खाना खा लो और फिर तुम दवाई खा लो, चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाओगी, मेरे पास खाने का भंडार है, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। जीवा का ये व्यवहार देख चिक्की बंदरिया मन ही मन पछताने लगी। उसे अपने व्यवहार पर बड़ी शर्म आ रही थी। जीवा बहन, मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारे बच्चों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, कठिन परिस्थिति में भी साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने उसके बदले मेरी इतनी मदद की कि मैं शर्म से गड़ी जा रही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। चिक्की बहन, पिछली बातों को भूल जाओ, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें सारे बैर भाव भूलकर सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीलगाय का एक झुंड जंगल की एक नदी किनारे पानी पीने के लिए पहुंच गया। अचानक दो मगर पानी के बाहर उभर आए। उसमें से एक मगर ने तेजी से झपट्टा मारा और एक नीलगाय के एक पैर को दबोच लिया। मगर उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले जाने लगा। नीलगाय बेचारी अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चल रहा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मगर मेरी जान ले लेगा। नीलगाय पानी के बहुत अंदर चली गई थी और उसका सिर्फ मुंह दिखाई पड़ रहा था। वो पूरी तरह से मौत के जबड़े में पहुंच चुकी थी। अचानक चमत्कार हुआ, पानी में एक मोटा सा जीव उभरा और नीलगाय के पास तेजी से पहुंच गया। उसने जोर से मगर को टक्कर मार दी। मगर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। दुष्ट मगर, तू नीलगाय को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मगर ने नीलगाय को छोड़ दिया तो मोटा सा जीव दूसरा और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी हिप्पो थी। वो मगर से लड़ गई। मगर ने बड़ा मुंह किया तो हिप्पो ने उससे भी बड़ा मुंह बना लिया और मगर को काट लिया। बेचारे जानवर नदी में पानी पीने आते हैं और तुम उनका जीवन लेना चाहते हो? वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर तुम क्या उनके प्राण लेना चाहते हो? मगर ये मत भूलो, इस दुनिया में अगर मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी हैं। उस नील गाय का पैर जख्मी हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई, यही बड़ी बात थी। उसने हिप्पो का शुक्रिया अदा किया। हिप्पो बहन, तुमने मेरे प्राण बचाए, तुम्हारा ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, हम फिर मिलेंगे। उसके बाद नीलगाय उस हिप्पो से अक्सर मिलने आती थी। वो किनारे से उसे आवाज देती और दोनों की मुलाकात हो जाती। फिर हिप्पो बाहर निकल आती और उस नीलगाय से बहुत सारी बातें करती। वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। समय बीतता गया। एक दिन उसी हिप्पो का बच्चा पानी के अंदर से नदी के किनारे पर आ गया। उसी समय नील गाय का झुंड भी पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंच गया था। दूसरी तरफ से एक शेरनी आ गई। शेरनी ने जब अकेले बच्चे को देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई। नील गाय ने शेरनी की मंशा को जान लिया। जैसे ही शेरनी हिप्पो के बच्चे पर टूटी, नील गाय ने शेरनी पर वार किया। शेरनी घूम कर नील गाय से लड़ गई। एक नर नील गाय दौड़ कर आया और उसने सींग से शेरनी को मार दिया। शेरनी घायल होकर भाग गई। हिप्पो ने पानी के अंदर से ये नजारा देख लिया था। वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। नील गाय बहन, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना शेरनी आज न जाने क्या ही करती। बहन, तुम्हारा बच्चा भी तो मेरे बच्चे के ही समान है। उसके सामने संकट आया तो मैं कैसे रुक सकती थी। एक दूसरे की मदद करना तुमसे ही तो सीखा है। हिप्पो को आज अपनी सहेली नील गाय पर बड़ा ही फक्र हो रहा था। उनकी दोस्ती अटूट बन गई थी।